ये असाइनमेंट सेकेंड है, सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान, माह अक्टूबर, क्लास 12। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ध्रुवीय विश्व या अमेरिकी वर्चस्व स्थापित होने के कोई 5 कारणों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, एक ध्रुवीय विश्व या अमेरिकी वर्चस्व स्थापित होने के निम्न कारण थे। पहला है शीत युद्ध की समाप्ति। 1990 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। सन 1991 में अमेरिका विश्व में महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया, जिससे विश्व एक ध्रुवीय बन गया, क्योंकि कोई भी देश अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में नहीं था। सेकेंड पॉइंट, रूस की कमजोर स्थिति। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य बनाया गया। रूस की स्थिति काफी कमजोर थी। वह ऐसी स्थिति में नहीं था कि सभी राष्ट्र कुल राज्य पर नियंत्रण रख पाए। थर्ड पॉइंट, पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र में परिवर्तन। पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साम्यवादी देश जो सोवियत संघ के प्रभाव में था, वे भी सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका रविमे में जाने लगे, तथा कई देशों ने नाटो की सदस्यता ग्रहण कर ली। फोर्थ पॉइंट, नाटो की शक्ति का बढ़ना। सोवियत संघ के विघटन के साथ वारसा पैकट समाप्त हो गया, परंतु नाटो संगठन अभी भी बना हुआ है। नाटो की शक्ति में निरंतर विस्तार होने से अमेरिका की शक्ति बढ़ रही है। फिफ्थ पॉइंट, सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में केवल अमेरिका का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भारत अमेरिका मधुर संबंधों की विवेचना कीजिए। उत्तर, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत न तो वास्तव में दोस्त हैं और न ही दुश्मन। दोनों देशों के बीच संबंधों में लगातार उतार चढ़ाव आया है, जो भारत के तटस्थ एनएएम रूस से शुरू होकर कोल्ड वार के दौरान अलग अलग रास्तों तक और अंततः रणनीतिक अभिसरण के वर्तमान समय तक चला आया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते भारतीयों को भारतीय अमेरिकी कहा जाता है, क्योंकि उनकी पैतृक जड़ें भारत में अंतर्निहित हैं। 1980 में अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने स्वदेशी अमेरिकियों से पार्थक्य के लिए एक अन्य शब्द गढ़ा, एशियाई भारतीयों। अमेरिका में उनका आगमन 1946 के लुसी सेलर अधिनियम द्वारा चिन्हित हुआ, जिसने भारतीयों को यूएस की धरती पर दसीकरण अधिकार प्रदान किया। अमेरिका की जनगणना 2010 के अनुसार एशियाई भारतीयों की आबादी 4.4 मिलियन है, जो अमेरिका की 308,745,538 की कुल आबादी के लिहाज से 69.37% की दर से बढ़ रही है। यह संख्या एशियाई भारतीयों को उत्तर अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ती जातीय समुदाय बनाती है। भारतीय छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों में नामांकित दूसरे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय छात्र समूह हैं। भारतीय आबादी व्यापार रूप से अमेरिकी के सभी स्टेटस में फैली है। भारत की सॉफ्ट पावर का जरिया इसके प्रवासी हैं, जो इसकी संपत्ति है। भारतीय प्रवासियों का अमेरिका में 3 चरणों में विकास हुआ है। पहला, शिक्षा और रोजगार की तलाश, दूसरा, प्रेषण का प्रमुख स्रोत, और तीसरा, यूएस की गतिशीलता को प्रभावित करने वाले प्रभावी खिलाड़ियों के रूप में अमेरिका में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच संबंधों की पुनर्रचना में योगदान दे रहा है। दो कारणों के आधार पर भारतीय अमेरिकियों के अभिभावी को एक प्रतिष्ठित समुदाय के रूप में मान्यता देता है। भारतीय अमेरिकियों की समृद्ध सभ्यता और सांस्कृतिक लोकाचार अमेरिकी और ताने का हिस्सा बन गया है, जहां दोनों देश भारतीय प्रवासियों को एक दूसरे के लिए लाभकर मानते हैं।
भारत की संस्कृति का प्रसार करने में भारतीय प्रवासियों की भूमिका, गैर सरकारी सार्वजनिक राजनीति और सांस्कृतिक राजनीतियों के माध्यम से राष्ट्र की ब्रांडिंग में भी योगदान दे रही है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, भारत पाक कला मतभेद के मूलभूत कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत पाकिस्तान कश्मीर मुद्दा 24 अक्टूबर 1947 को कबलियों के जम्मू कश्मीर पर आक्रमण के बाद से ही कश्मीर मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच बना हुआ है। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने का फैसला किया, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच आमने सामने से युद्ध शुरू हो गया। भारत इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र गया, जहां संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करते हुए युद्ध विराम का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर भूभाग पर भारत का नियंत्रण नहीं मिल सका। इस युद्ध के बाद से ही एक ओर जहां भारत पाकिस्तान अधिकृत को अपना अभिन्न अंग बताते हुए वापस लौटने की बात कहता है, तो वहीं पाकिस्तान की मंशा ये है कि वो बाकी के कश्मीर पर भी अपना कब्जा कर ले। भारत पाकिस्तान की सीमा विवाद भारत और पाकिस्तान की सीमाएं कुल 4 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पंजाब, गुजरात और राजस्थान के साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य भी शामिल है। पाकिस्तान के साथ गुजरात राज्य की सीमा पर स्थिर पर ठीक सीमा रेखा को लेकर विवाद रहा है। ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद पाकिस्तान भारत से द्विराष्ट्र सिद्धांत पर अलग हुआ था। भारत पाकिस्तान के साथ भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक और जातीय संबंध साक्षा करता है। आज़ादी के बाद से अब तक भारत पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो सके हैं। रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता और लाहौर घोषणा पत्र जैसे कदम उठाए गए हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण एशिया के देशों में शांति व सहयोग बढ़ाने के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उत्तर, शांति और सहयोग। क्या दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं, या ये देश एक दूसरे से सिर्फ लड़ते रहते हैं? अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्तों तथा सहयोग के महत्व को पहचानते हैं। शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी दक्षेस साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण SAARC, दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इसकी शुरुआत सन 1985 में हुई। दुर्भाग्य से विभेदों की मौजूदगी के कारण दक्षेस को ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। दक्षेस के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते SFTI पर दस्तखत किए। इसमें पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा है। दक्षिण एशिया में शांति एवं सहयोग बढ़ाने के तरीके। दक्षिण एशिया में शांति एवं सहयोग को निम्नलिखित तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। पहला है, दक्षिण एशिया के कई देशों में राजनीतिक स्थिरता का अभाव है, अतः राजनीतिक स्थिरता कायम करने की आवश्यकता है। दूसरा, दक्षिण एशियाई देशों में आतंकवाद की समस्या है, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए। तीसरा, दक्षिण एशिया क्षेत्र के देशों को अपनी समस्याएं मिलजुल कर हल करनी चाहिए। चौथा, दक्षिण एशिया क्षेत्र में व्याप्त निर्धनता और बेरोजगारी को समाप्त करना चाहिए। पांचवा, दक्षिण एशियाई देशों को दक्षेस के माध्यम से आपसी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ये कंप्लीट होता है पूरा क्वेश्चन, आपको पूरा लिखकर दिखा दिया गया है। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।